इजरायली सेना साफ कर चुकी है कि वो लेबनान में घुसकर हिजबुल्ला से आर पार की जंग करके ही मानेगी, और इसको लेकर उत्तरी इजरायल की नॉर्दर्न कमांड ने हिजबुल्ला पर हमले की रूपरेखा भी तैयार कर ली है। हालांकि इजरायली नेतृत्व ने अभी तक हिजबुल्ला पर हमले की कोई तारीख तय नहीं की है, लेकिन इस सब के बीच हिजबुल्ला लगातार उत्तरी इसराइल को अपने हमलों से टहला रहा है। हिजबुल्ला ने दो बार अपने जासूसी ड्रोन भेजकर इजरायली सेना के कई संवेदनशील सैन्य अड्डों और हथियार कारखानों की खुफिया जानकारी इकट्ठा कर ली है। हिजबुल्ला का कहना है कि लेबनान पर हमला करने से पहले आईडीएफ ये बात सोच ले कि वो यहाँ से वापस नहीं जाएगी और न ही उसके पास युद्ध में लड़ने के लिए एक भी टैंक बचेगा। और अब इसी कड़ी में हिजबुल्ला ने इसराइल पर मानसिक दबाव बनाने के लिए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने अपने हथियारों के जखीरे की नुमाइश की है और कहा है कि इसराइल के पास एक भी टैंक नहीं बचेगा। दरअसल हिजबुल्ला ने अपने इस वीडियो में कई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम और कंधे पर रखकर दागे जाने वाले एंटी टैंक गोलों को फिल्माया है, जो ये जताने की कोशिश करता है कि हिजबुल्ला के हथियार इसराइल पर हावी रहेंगे। हिजबुल्ला ने अपने कई एंटी आर्मर हथियारों को दिखाया है जो इजरायली मेरकावा टैंक का खात्मा कर सकते हैं। इस वीडियो में थारल्ला ट्विन मिसाइल सिस्टम, अमेरिका में बने BGM-71 टाउ सिस्टम, 9M113 कॉन्करस और अल्मास सिस्टम के कई वेरिएंट्स हैं। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने 8 अक्टूबर 2023 के बाद से इनमें से जितने भी हथियार आईडीएफ के खिलाफ इस्तेमाल किए हैं, उन्होंने अपना टारगेट हासिल किया है। और इन हथियारों में अल्मास मिसाइल सिस्टम भी बेहद खास है, जिसको लेकर हिजबुल्ला का कहना है अल्मास मिसाइल सिस्टम में लगातार टेलीविजन कैमरे के जरिए अपनी उड़ान का लाइव वीडियो फुटेज भेजता है और ऊपर से नीचे की ओर प्रक्षेप पथ लेता है। ये खासियत हिजबुल्ला के टैंक रोधी फोर्स की नज़र को और ज्यादा बढ़ाती है। हिजबुल्ला इससे छिपे हुए स्थानों पर इजरायली टैंकों और बख्तरबंद वाहनों का पता लगा सकता है। अल्मास मिसाइल सिस्टम की मार्गदर्शन प्रणाली रियल टाइम में अत्यधिक सटीक और कई टारगेट्स की एकदम सटीक जानकारी देती है। वहीं थरल्ला ट्विन मिसाइल सिस्टम को हिजबुल्ला ने मॉडिफाई करके एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल सिस्टम के रूप में बनाया है। ये मिसाइल सिस्टम एक ही टारगेट पर दो कॉर्नेट प्रकार की एंटी टैंक मिसाइलें फायर करता है। हिजबुल्ला का कहना है कि उसने इन दोनों ही मिसाइल सिस्टम को इजरायली ट्रॉफी एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम को मात देने के लिए बनाया है। इजरायल का ये मिसाइल सिस्टम एक ही समय में आने वाले एक ही गोले से इजरायली बख्तरबंद वाहनों की रक्षा करने का काम करता है। आपको बता दें कि हिजबुल्ला के इस वीडियो में आखिरी में एक ATGM यानी अल्मास मिसाइल सीधे एक मेरकावा टैंक पर जा गिरती है। हालांकि इस दौरान इजरायल का ट्रॉफी APS एक्टिव होने की कोशिश करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। और इस वीडियो में हिजबुल्ला ने कहर मिसाइल सिस्टम को भी फिल्माया है, जो सोवियत जमाने के RPG-29 लॉन्चर की एक नकल है। इस मिसाइल सिस्टम को कंधे पर रखकर चलाया जा सकता है। इस मिसाइल सिस्टम की रेंज काफी कम यानी 500 मीटर है। इन हथियारों के अलावा इस वीडियो में हिजबुल्ला के कई लड़ाके हथियार उठाते हुए दिख रहे हैं,
जिनके पास कहर लॉन्चर भी है। हालांकि इजरायली मीडिया का यह भी मानना है कि आईडीएफ को हिजबुल्ला के विशेष एंटी आर्मर यूनिट से खतरा है और इनमें आरपीजी 29 में आईडीएफ के टैंकों को भेदने की ताकत है जो टैंडम वारहेड से लैस हैं और कई मामलों में ये गोले मरकावा टैंक को भेदने में कामयाब रहे हैं। इजरायली मीडिया के मुताबिक हिजबुल्ला की एंटी आर्मर टीम और सपर यूनिट 20 मरकावा टैंकों को इस कदर तबाह करने में सफल रही है जिनकी दोबारा मरम्मत भी नहीं की जा सकती। इसके अलावा 40 ऐसे टैंक थे जिन्हें हिजबुल्ला की एंटी आर्मर टीम ने बुरी तरह नुकसान पहुंचाया है।